हाय गाइस। गाइस, सो गाइस, हम लोग शिमला में चीप इट्स तो ट्राई कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा हमने ये सोचा कि टॉप 5 रेटेड रेस्टोरेंट्स इन शिमला एज पर ट्रिप एडवाइजर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं और आपको रेकमेंड करेंगे कि कौन सा वो पांचों में से सबसे अच्छा है। सो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ये सीरीज को। सो लेट स्टार्ट द गैस्ट्रोमी जर्नी। So guys, we are in the restaurant which is the top restaurant in Shimla as per TripAdvisor. और अभी तक जो आए हैं पूरा खाली है और मस्त लगता है, मतलब अटेंशन टू डिटेल और वेटर भी बहुत अच्छे हैं और हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड के साथ हमस और ये चाट तो मिल गया है। मेरा चाट ख़त्म भी हो गया, बहुत दिनों बाद अच्छा चाट खाने को मिला ऐसा लग रहा है मुझे। मैं तो ये चाट प्लेट खा के भी खुश हो जाती यार। वाओ, क्रिस्पी है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये इतना वॉर्म है और क्रिस्पी है और अंदर ब्रेड सॉफ्ट है। हमस इज ऑल्सो नाइस। वाह, दिस इज अमेजिंग गाइस। ऐसे कभी कभी ऐसे फाइन डाइनिंग करते हैं ना तो अच्छा लगता है, पैम्पर्ड फील होता है। तो ये पहला जो स्टार्टर हमने मंगाया है, दिस इज पहाड़ी मुर्ग। पहाड़ में आए हैं तो पहाड़ी मुर्ग खाना तो बनता है। हाँ वही, इनका ये डेलिकेसी है लोकल और इन्होंने रिकमेंड भी किया था। बहुत ही सॉफ्ट है, नाइफ एकदम मतलब बटर को जैसे कट करता है वैसा टाइप का अंदर जला के। देखो रोजा, देखो देखो कैसे मतलब नाइफ। ओ वाह, मुंह में पानी आ रहा है। नहीं तुम्हारा पता चल रहा है। अमेजिंग है यार, आई कैन नॉट वेट, आई कैन नॉट वेट, आई हैव टू ट्राई दिस। पकड़ो 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 पकड़ो, मुझे खाना है। अमेजिंग अमेजिंग रोजा, यू हैव टू ट्राई दिस। आई विल ट्राई दिस इमीडिएटली। वाओ, मैं पहले बिना चटनी का ट्राई कर रही हूं। व्हाट इज दिस? बटर जैसा लग रहा है, बटर। ये चिकन है? Eating butter. मैंने जिंदगी में ऐसा चिकन नहीं खाया है। ये क्या मेल्ट क्यों कर रहा है मेरे मुंह में? मेल्ट कर जा रहा है ना? क्यों? चिकन ही है ना? Yes. Wow, मतलब amazing. दांत की जरूरत ही नहीं है। What is this? यार, ये 1100 रुपए है and I'm telling you guys, this is so worth it. मतलब आठ पीस है, आठ पीस 1100। This is so 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 worth it. अब enjoy करते हैं। How excited are you? मीन को साने वाला है। I'm so 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 excited. ऐसा starter कभी खाया ही नहीं था। Apart from that, the hospitality and the service is like truly that's so sweet, truly that's truly that's a beautiful experience. रोजा खा के बताओ। बिरयानी के साथ इतना सब कुछ आया है गाइस, कॉन्डिमेंट्स, ये रायता, अचार, प्याज, पापड़, इतने सारे वैरायटी के और ये मटन बिरयानी। लेट मी ट्राई द मेन डिश। पहले राइस ट्राई करती हूँ। माइल्डली फ्रेग्रेंट है। इट्स गुड बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट किया था जो नहीं है, बट स्टिल इज गुड। मुझे बट स्पाइसी एंड देखो तुमको कैसा लग रहा है। अच्छा, ये थोड़ा स्पाइसी है जो कि अच्छा लग रहा है। ठंडे के टाइम पे स्पाइसी तो अच्छा ही लगता है रोजाना। और एक चीज़ नोटिस किया, ये जो बिरयानी है दिस इज मोर नवाबी स्टाइल, क्योंकि मुझे सैफ्रन का पूरा टेस्ट आ रहा है। सैफ्रन मैंने बहुत खाया है तो आई नो अच्छा सैफ्रन। अपन बहुत ही हल्का सा स्मेल आ रहा है और बिरयानी जैसे आ जाता है तो हमारा थोड़ा बार बहुत हाई हो जाता है बिकॉज वी हैव टेस्टेड
एनी और एवरी काइंड ऑफ बिरयानी इन इंडिया, और हमको पता है कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो इसलिए जब भी हम नया टेस्ट करते हैं तो ये बाहर यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर मीट नहीं होता किसी का स्टैंडर्ड तो थोड़ा हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बट बहुत टेस्टी है, बहुत सारे पीसेस है। मटन इज़ सो टेस्टी, यम्मी, पूरा मेल्ट इन द माउथ है। अगर आपको नवाबी स्टाइल, लखनवी स्टाइल वैसा टाइप का पसंद है तो दिस विल ब्लो योर माइंड। सो गाइज, हम लोग बिरयानी खाने के बाद जा ही रहे थे कि उन्होंने बोला कि ये टाउन का सबसे बेस्ट डेजर्ट है, जो है वाइट चॉकलेट तोर्टिलो, वनीला आइसक्रीम, ऑरेंज मार्मलेड विथ मिंट और मैंगो पेस्ट या सॉस आप बोल सकते हैं, मैंगो का सॉस और थोड़ा ब्रेड क्रम्स है तो और डेजर्ट की बात है और रोज़ा और मैं सुनने की टाउन का बेस्ट डेजर्ट है और हम खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो रहा नहीं गया हमसे, तो हमने सोचा कि थोड़ा खा लेते, क्या बोलते हैं, खा लो, अच्छा चीज़ मना नहीं करना चाहिए। ओके, ये बेक्ड है, फ्रेश बेक्ड है ये, इसके साथ थोड़ा आइसक्रीम है, सब मिला के एक साथ खाओ। आइसक्रीम भी अच्छा है, आइसक्रीम तुम्हारा ये नॉर्मल वनीला आइसक्रीम जैसा नहीं है, सब इंडिविजुअल एक एक बार ट्राई कर रहे हो क्या? मैंगो तो सही होगा, मुझे पता था मैंगो अमेजिंग होगा, अभी आई नो व्हाट टू डू, अभी सब कुछ मिक्स करके एक बार ट्राई करूंगा। रैटाटुई मोमेंट, ये फ्रेशली बेक्ड है, फ्रेशली बेक्ड है, और इसके अंदर आई थिंक लेयर कुछ है, वाव, आइसक्रीम खाओ, आई विश मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल सकती वो हागेंदाज जैसा लग रहा है आइसक्रीम, हागेंदाज ही होगा यार, ये इतना कम क्यों दिया, ये तो मैं 4-5 प्लेट खा जाऊँ एक साथ, ये सब कुछ मिक्स करके ले लिया है, इट्स लाइक अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर इन माय माउथ, मैंगो सॉर्बे का भी टेस्ट आ रहा है, वनीला आइसक्रीम डेनी टार्टर या जो भी है उसका भी टेस्ट आ रहा है, इट्स वार्म, दिस इज कोल्ड, तो ओवरऑल दिस इज सच ए वेल बैलेंस्ड एंड सच ए परफेक्ट डेजर्ट, ओ माई गॉड, जब पहले मैंने मिल्क चॉकलेट सुना तो आई वॉज लाइक कि मिल्क चॉकलेट इतना पसंद नहीं है, कैसा लगेगा, बट दिस इज जस्ट ब्लो माई माइंड गुड, ओ माई गॉड, आई एम सो ग्लैड वी डिड दिस, वीडियो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, बट ओवरऑल जो इस रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस था वो तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पेशली स्टार्टर और डेजर्ट, अभी दे आर नॉट किडिंग व्हेन दे सेड कि बेस्ट इन द टाउन, पूरा हालेलुया और हालेलुया, जस्ट सिंगिंग इन माय माउथ, दैट वाज सच अ गुड मील, पेट तो भर गया, और वो डेजर्ट खा के मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे मेरे आंखों में, इट वॉज सो 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 गुड, और जब हमने ये वीडियो स्टार्ट करने का प्लान किया और ये रेस्टोरेंट देखा टॉप में है, तो हमको मतलब इनिशियल इम्प्रेशन यही था मैं हाँ उबरे में है, इसके लिए अच्छा रिव्यू होगा, बट आफ्टर कमिंग हेयर आफ्टर हैविंग द फूड आई ट्रूली थिंक इट डिजर्व्स द नंबर वन रेटिंग इन शिमला, यहाँ इससे बेटर आई थिंक बहुत कम ही जगह पे मैंने खाया है, हाई एंड रेस्टोरेंट, मिड रेंज रेस्टोरेंट कोई भी आप कंपेयर कर लो फूड टेस्ट वाइज, इससे बेटर खाना रियली मैंने बहुत कम जगह पे खाया है। सो गाइस, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, प्राइस हाई है आई वुड अग्री, क्योंकि हमने 3 आइटम खाया, एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और एक डेजर्ट, तो हमको 3850 लगा, विच एक्सपेक्टेड था मुझे, अगर 3 आइटम आप खाएंगे तो ऐसे ही प्राइस आएगा, बट इट वॉज वर्थ इट, फॉर डेजर्ट हमारे लाइफ में खाया हुआ बेस्ट डेजर्ट था, उसके लिए तो आई कैन एन एनी टाइम कम एंड स्पेंड दैट मनी, बट यू डोंट नीड टू कम रेगुलरली, आप एक बार आके ये एक्सपीरियंस ले लीजिए, बिकॉज
दिस इज़ द बेस्ट इन शिमला, और वी वुड रिकमेंड कि उनके जो सेफ स्पेशलिटीज़ हैं ऑर्डर फ्रॉम दैट ओनली. तो जैसे वो केक था, जैसे वो स्टार्टर था, तो ओनली दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर सेफ स्पेशलिटी, ऑर्डर दोज, यू विल नॉट रिग्रेट इट. अभी हम लोग सेकंड बेस्ट रेटेड रेस्टोरेंट में जाएंगे, हाइड आउट कैफे पीछे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं. बहुत सारे लोगों ने बर्गर और पैनकेक ये सब रिकमेंड किया है, बट हम लोग जाके उनको पूछते हैं कि वो लोग क्या रिकमेंड करेंगे, एंड उसके बेसिस में आपको बताते हैं कि कितना अच्छा है वो. तो रोजा वाफल्स कैसे हैं? अच्छा है, और ज़्यादा क्रिस्पी हो सकता है, बहुत क्रिस्पी नहीं है. क्रिस्पी चाहिए था तुमको? बर्गर उन्होंने दो पीस करके लाए, बिकॉज शेयरिंग करना था उनको. अभी मैं खा के बताता हूँ मेरा वो. चिकन बर्गर इज़ गुड, दो पैटी है, एक चिकन ब्रेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, और पोर्शन बहुत अच्छा है, और ये सांसा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला थोड़ा स्पाइसी है, बट कॉन्टिनेंटल और ये प्लेस के हिसाब से दैट्स फाइन. रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा बात है इसका व्यू. अब देखिए मेरा व्यू दिखाओ, इतना अच्छा व्यू के व्यू देख देख के इतना अच्छा बर्गर खा के मज़ा आ गया मुझे. बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की. मैंने वो आप मुझे पूछना है कि खाना कैसा है, मैंने बोला कि ये थोड़ा लेस क्रिस्पी है, तो फिर से वो लेके जाकर उसको चेंज करके वो क्रिस्पी वाला करके लाया. वेरी वेरी कॉटियस, वेरी ये अच्छा भी है. हाँ बर्गर तो बहुत ही अच्छा था, अब ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है ये. एक बर्गर और एक वैफल को 670 रुपीज़ लगा, विच इज़ फाइन, और बहुत ही टेस्टी था, और बहुत ही कोर्टियस थे वो लोग, जो कि रोज़ा ने जैसे ही बोला वैफल थोड़ा नरम हो गया है, तो उन्होंने फिर से उसको क्रंची वाला ला के दिया, विच वॉज रियली नाइस ऑफ देम. और बर्गर में वो मशरूम और स्पिनाच वाला जो उन्होंने क्रीम ऑफ मशरूम और स्पिनाच बनाया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था वो बर्गर कॉम्बो के साथ. तो यू वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके अगर मॉल रोड में घूम रहे हो तो यहाँ पे खाइए, बहुत इजी है हाँ मिलना. पुलिस, ये पुलिस और ये वाला बिल्डिंग है ना, हाँ, तो इसके बस ऑपोजिट में ये दिख रहा पीछे है, मिल जाएगा आपको, अगर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट्रीज है, हाँ. नेक्स्ट मुझे पेस्ट्रीज ट्राई करने हैं. सो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन शिमला. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. Bye-bye.